पंचायत पेंड्रावन में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कन्या और बालक छात्रावास अधिकारी के अनदेखी और ठेकेदार की मनमानी के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने 2 महीने पहले इसकी शिकायत बलौदाबाजार कलेक्टर से की थी। मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर गांव वालों में नाराजगी है। वहीं बच्चों की सुविधा कम और मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार की मनमानी से गुणवत्ता विहीन जर्जर छात्रावास बना, जो कब तक टिकेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। करोड़ की राशि से ये शासन द्वारा स्वीकृत राशि है, जिस पर इंजीनियर और ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का इस बिल्डिंग में गुणवत्ता युक्त नहीं बनाई गई है, जिसके कारण जो है बिल्डिंग का छत से पानी टपक रहा है, जिस पे पानी टिपक रहा है और दरारें हो रही है, जिसमें बच्चों के लिए कोई भी सुविधा युक्त तो नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, और गली में जो समतलीकरण होता है वहाँ पे वो भी उसका नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब को शिकायत किए थे, अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, 2 माह बीत गया है। पन्ना के सिमरिया क्षेत्र में